अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम, बहुत शुक्रिया। एक आपने टर्म असबिया के लिए आपने कहा कि आपने उसको इस तरह से डिफ़ाइन किया है विच इज़ सोशल सॉलिडारिटी। जी जी, ये मैंने तर्जुमा किया था, मैं अंग्रेजी जी में वही एक्चुअली उसी को मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा था कि मे बी साइड स्टेप फ्राम दी अदर स्कॉलर आई हैव हर्ड जिन्होंने इसका ट्रांसलेशन नेशनलिज्म किया है, तो इसको नेशनलिज्म से इज़ दैट समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट? आप इसको थोड़ा ज़रा एक्सप्लेन कर दें, असबिया एज ए नेशनलिज्म जो कि शायद और सोशल सॉलिडारिटी। थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। देखें आपका इसमें ग्रामी फारूक साहब, बात ये है, ये चंद इस्तिलाहात हैं जिनको हम मेरा ख़्याल है सही तौर पे इस्तेमाल करते नहीं हैं। ये मेरा व्यू है, आप डिसएग्री कर सकते हैं। नेशनलिज़म जो है या नेशन स्टेट का जो लफ्ज़ है, ये पहली दफ़ा वेल्थ ऑफ नेशंस में एडम स्मिथ ने इस्तेमाल किया था। ये 1776 की बात है और उसका एक सियाक़ो सबाक़ था अपना, उसका अपना एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट था। हम हिस्ट्री के लोग हैं ना, तो ये कॉन्टेक्स्ट को बहुत अहमियत देते हैं। तो जो नेशनलिज़म है दैट इज़ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। अगर तो आपको ये कॉन्सेप्ट अपनाना है तो आपको इसको रीडिफाइन करना होगा, वरना वेस्टर्न कॉन्सेप्ट के अपने जो मुज़मरात भी होते हैं, अपने मवादियात भी होते हैं और अपना उनका जो इस्तेमाल करने का तरीका भी होता है। उसके पीछे एक हिस्टोरिकल जो नॉलेज सिस्टम होता है जो उसको सपोर्ट कर रहा होता है। हम लोग जो हैं वो असबिया को नेशनलिज़म जो है वो नहीं कह सकते, क्योंकि आप क्या कहेंगे कि इस्लाम जो है वो इट वाज द मैनिफेस्टेशन ऑफ अरब नेशनलिज्म। दैट्स टू मी इज दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। यू नो, नेशनलिज्म जो है एक अपने मखसूस कॉन्टेक्स्ट में 18वीं सदी की इख्तरा है, ठीक है ना, और वो एडम स्मिथ ने अपनी किताब वेल्थ ऑफ नेशंस में उसको एक्सप्लेन किया है, वहाँ से उसकी इब्तदा हुई है। तो नेशनलिज़म या नेशन जो है, हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट आता है वो या तो मिल्लत का आता है या उम्मत का आता है। सो हमारे यहाँ नेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो इस तरह से नहीं है, और नेशन को अगर आपने अपनाना है तो फिर उस बहस को दोबारा से चलाना पड़ेगा आगे, जो हुसैन अहमद मदनी और इकबाल की हुई थी 1930s में, के जो क्योंकि हुसैन अहमद मदनी ने यह कहा था कि कौमें औतान से बनती, औतान इज़ वतन की जमा, और वतन जो है वो तो फिर इंडिया है, ठीक है ना। अब यह है कि अगर आप मिल्लत और उम्मत की बात करते हैं तो फ़र्द और कलेक्टिविटी का जो रिश्ता है वो डिफरेंटली आपको डिफ़ाइन करना होगा। सो जो ये जो बात करता है इब्न खल्दून के जी, असबिया जो है एक इसको कबीले के तौर पे, ख़ानदान के तौर पे, जिसमें कि फिर एक ऐसी उमंग होती है कि वो दूसरे लोगों को अपने साथ मिलाए और फतह करे और फिर अरूज हासिल कर ले। ये जो है ये नेशनलिज़म जो है, ये इस तरह का नेशनलिज़म वो उस ज़माने में मेरी तो समझ में नहीं आता कि यू नो नेशनलिज़म की इस्तिलाह के जन्म से 3 सदियाँ पहले एक कॉन्सेप्ट आया और आप उसको नाम जो है वेस्टर्न दे दें, वेस्टर्न नाम दे के तो उस कॉन्सेप्ट का बेड़ागर कर दें। यू नो, सो दिस इज़ हाउ आई टेक इट। मैं थोड़ा सा ना इरिटेट हो जाता हूँ इस तरह से कि जी आप मॉडर्न गाइज या मॉडर्न लिबास पहना देते हैं पुराने कॉन्सेप्ट्स को, तो ऐसा नहीं है, उस कॉन्सेप्ट को आगे चलाना चाहिए हम लोगों को। ये मैंने भी गलती की है जो सोशल सॉलिड, तब यू नो आई वाज अ यंग मैन एंड कि वो असबिया को असबिया ही लिखना चाहिए था। असबिया एज अ कॉन्सेप्ट, इसको आगे चलाएं। अब बरादरी जो है वो एज इंग्लिश में मुस्तामिल हो गया। अब हमने बरादरी जब लिखना होता है तो बरादरी लिखते हैं, हम उसको किनशिप में ट्रांसलेट नहीं करते और वो समझ में आता है। सो हमारे जो अपने कॉन्सेप्ट्स हैं, हमारी अपनी जो थ्योरी है, उसको बयान करने की ज़रूरत है। असल प्रॉब्लम क्या है कि वो जो मैं कह रहा हूँ कि वी आर इंडिपेंडेंट बट वी आर नॉट फ्री। हम फ्री तब होंगे जब हम अपनी बात खुद करना शुरू करेंगे। आप अपनी हिस्ट्री खुद लिखिए, आप अपनी जोग्राफ़ी के बारे में खुद बताइए, आप अपने इल्म दानिश के बारे में दूसरे लोगों को बताइए। आप तो इस्लाम के ऊपर सबसे ज़्यादा काम प्रिंसटन में हो रहा है, आप हमारे उलमाए दीन भी तो उधर ही जाके बात करते हैं ना। गांधी साहब कहाँ हैं? डलस में है ना।